साधना करना हो तो शक्ति है कुछ मसाला क्या भाषा प्रॉब्लम बताओ, कोई हिंदी जानने वाला बताओ, बोलो द्वारा रुचि के द्वारा बाप आकर के कार्य करते प्रत्यक्ष नहीं होती याद क्या आगे आने वाला आप अपनी भाषा में बता दीजिए हिंदी जाने वाला कुछ चलेगा जैसे आप तेलुगु चप्पू पहले त्रिमूर्ति ग्रुप जो है उसके द्वारा जो बाप आकर के कार्य शुरू करते हैं त्रिमूर्ति के द्वारा, माने बाप जब आते हैं तो तीन मूर्तियों के साथ आते हैं, उसके बाद अष्टदेव का ग्रुप सबसे आदमी जो वो तो सूर्यवंशी है, पहले सूर्यवंशी तैयार होंगे या पहले चंद्रवंशी इस्लामवंशी तैयार होंगे, पहले सूर्यवंशी तैयार होते हैं जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अर्थात कृष्ण के सोल है वो तो बाद में, लेकिन पहले तो पूर्वज चाहिए ना, कृष्ण का जन्म जो होगा वो सिर्फ माँ बाप से ही होगा कि और भी होंगे, मतलब पहले नहीं के बाद में पहले तीन मूर्तियों को ज्ञान मिलता है, अब समझना न समझना अलग बात है, तीन मूर्तियों में से कितने समझा और कितने नहीं समझा, लेकिन तीन मूर्तियों को मिलता है पहले, उसके बाद अष्टदेव है वो सूर्यवंशी है ना, तो वो पहले बात को समझते हैं, माने राधा कृष्ण का जब जन्म होगा तो ऐसे नहीं कि जो नई दुनिया बनी हुई होगी जिसमें राधा कृष्ण का जन्म होगा, पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया, वो नई दुनिया के बीच नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग में कृष्ण का जहाँ जन्म होगा वहाँ ऐसे नहीं कि सिर्फ दो माँ बाप ही होंगे, एक संगठन होगा, छोटा सा संगठन होगा, उसमें अष्टदेव भी होंगे, हाँ जी वो अष्टदेव का जो परिवार है उसमें बाप भी है, क्या बाप भी है, बाप के सामने अष्टदेव, हाँ और जन्म देने वाली वैसे भी माता भी है, जन्म देने माता भी है, सब उस ग्रुप के बीच में बच्चे का जन्म होता है, ऐसे नहीं कि नई दुनिया बनेगी तो उसमें माँ बाप ही होंगे और उनके कृष्ण का जन्म हो जाएगा, नहीं पूरा परिवार होगा सूर्यवंशियों का, उन सूर्यवंशियों से कृष्ण बच्चा जन्म लेगा, और नहीं आ जाएगा
కృష్ణుడు తండ్రిని శివుణ్ణి కాదు అని కృష్ణుడు వైపు వెళ్ళినట్టు అని అడగమని ఆ రోజు తర్వాత నాకు అంటున్నారు. దేని ఆధారంగా తల్లి కృష్ణుడు మీద వెళ్ళినట్టు కృష్ణుడు వైపు ఇప్పుడు వెళ్ళినట్టు అప్పుడేమో సరిగ్గానే ఉండేది కదా ఇప్పుడు ఎందువల్ల దేని ఆధారంగా తండ్రి శివుడు కాదు కృష్ణుడు అని ఎలా అనుకున్నారు ఎలా వచ్చిందో. जगदम्बा माता की बुद्धि में कृष्ण का नाम क्यों पड़ा? माताएं जितनी भी होती है जब बाप चला जाता है कारण या कारण या शरीर छोड़ जाता है तो किससे प्रभावित होकर के रहती है? बच्चे से प्रभावित होकर रहती है. क्या बड़ी बात है? बाप के करने के कारण बच्चे से बच्चे प्रभावित होकर रहती है. अब बाप है ना, अब मैं अब बाप है ना. अभी बाप है लेकिन अम्मा नहीं है ना. वो अम्मा चली गई रावण की राशि में. वो कैसा चली गई है? कैसा चली गई मामा? कैसे चली गई? क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाला हुआ है. उसकी बुद्धि में भी कृष्ण ही बैठा हुआ है कि यही मेरा सब कुछ है. आज की दुनिया में भी ऐसा हो रहा है. माताएं पति की परवाह नहीं करती हैं. बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और कारोबार संभाल लेते हैं पति को निग्लेक्ट कर देती है. बच्चा ही उनका सब कुछ हो जाता है. हाँ, ये बात ठीक हो जाएगी. गीता माता जो है वो रचना बनेगी, बाप की रचना. सच्ची गीता बनती है जब बाप के हाथ में आती है. वही झूठी गीता जब बाप के हाथ में आती है तो यज्ञ के आज में भी बाप ने उसका क्लेरिफिकेशन दिया था और अंत में भी वही झूठी गीता जब बाप के हाथ में आएगी तो सत्य गीता बन जाएगी. आपको चाहे जड़ गीता हो या चैतन्य गीता ऐसी चलता है दुनिया में कैसे चलता है? गीता गीता झूठी है कि गीता खंडित है? और सारी की सारी गीता खंडित है. जब मूल जो माता है वही खंडित है तो सब माताएं खंडित है. सब माताएं झूठी है. माता है नारी से लक्ष्मी जब सच्ची गीता बनेगी तब लक्ष्मी बनाती है. बनते हैं अभी माता को नारी से लक्ष्मी बना सभी माता है. नारी से लक्ष्मी बनती है. सभी माता है नारी से लक्ष्मी नहीं बनती है. वो माता है नारी से लक्ष्मी बनती है जो एक बाप के डायरेक्शन पर चलती है. लक्ष्मी जो है वो नारी से लक्ष्मी बनती है. जगदम्बा नारी से लक्ष्मी नहीं बनती लेकिन जगदम्बा का टाइटल लेती है. राज परिवारों में एक होती थी राजमाता और एक होती थी राजलक्ष्मी. सारा कारोबार राजलक्ष्मी संभालती है और राजमाता को ऊंचा पद दिया जाता है, रिगार्ड दिया जाता है. तो ये फाउंडेशन यहाँ पड़ता है. गड़बड़ नहीं है. अच्छा है. सर्वशक्तिमान भगवान सर्वशक्तिमान माया दोनों में आती है. ये लेकिन ये बच्चों के ऊपर है ना कि किसकी तरफदारी में रहे, किसकी पाला में रहे. बच्चे घड़ी घड़ी माया की पाला में चले जाते हैं तो सर्वशक्तिमान बाप क्या करे? वो भी अपने एक तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं. माया में अभी माया से आ जाए.
माया भी चैतन्य में है तो गीता भी चैतन्य में है। कर्म शक्तिमान का पद माया पाती है, गीता नहीं पाती। क्यों नहीं पाती? माया की शक्ति ज्यादा है। नहीं, जब भगवान की प्रत्यक्षता होती है तो पहले माया सरेंडर हो जाती है, इसलिए माया कर्म शक्तिमान का पद ले लेती है। माया कौन है सबसे मां है? चैतन्य में माया कौन है सबसे मां? चैतन्य में रावण पता लग जाएगा तो माया भी पता लग जाएगी है। चैतन्य में रावण रावण तेलिस्ते माया तेलिस्ते। चैतन्य में रावण का मुख्य सिर जो है वो काम है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांच जो चैतन्य मुख हैं वो कौन है? कौन है ऐसे? कोई तो ऐसे सिर होंगे, रावण का चित्र बना है तो चरित्र करने वाले भी तो कोई होंगे ना, तो उनमें कौन है ऐसा जो काम विकार का 100% चेहरा धारण कर लेता है? है कौन है? बीज रूप में है कि आधार मूर्त में? बीज में नहीं तो आधार में नहीं रहेगा। हैं? बीज में नहीं तो आधार में भी नहीं रहेगा। हाँ, आधार में होगा तो बाद में, पहले बीज रूप आत्मा ज्यादा पावरफुल होती है। बीज रूप आत्माओं में कोई है ऐसी आत्मा जो उसका आधार का भी बाप बनती है, ज्यादा पावरफुल बन जाती है, उसको भी जन्म देने वाली बनती है। यहाँ संगम युग में भी बनती है तो वहां द्वापर युग में भी बनती है। है? हिंदी बोलो आप बात ठीक है। राम वाली जो आत्मा है वो पापियों का भी बाप है, राक्षसों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है, अच्छे से अच्छे कर्म करने वालों का भी बाप है और बुरे से बुरे कर्म करने वालों का भी बाप है। अगर वो पाप न होता तो ये बुरे कर्म करने वाले पाप आत्मा कंट्रोल में नहीं आता। बच्चों में ताकत नहीं है जो उनको कंट्रोल कर सके, या इब्राहिम में, या इब्राहिम के आधार मूर्त में, या आधार मूर्त को जन्म देने वाला जो बीज है उस बीज में ये ताकत नहीं है कि रावण राज्य को खलास कर सके, रावण संप्रदाय को आग लगा दे। ये राम बाप ही है जो बच्चों से कहता है बच्चे तुम्हारा बाप आया। बच्चे अच्छे कर्म करने वाले भी हैं, अच्छे से अच्छे बच्चे भी हैं और बुरे से बुरे कर्म करने वाले भी बच्चे, दोनों के सामने बोलता है बच्चे तुम्हारा बाप आया। अच्छे में भी बाप है और बुरे में भी तुम्हारा बाप। सवाई माता जी पूछ रहे हैं 88 में कृष्ण का प्रतिष्ठा हुआ, प्रतिष्ठा हुई 88 में? अभी तो ब्रह्मा संपूर्ण कहते हैं ना, है ब्रह्मा अगर प्रत्यक्ष होने का मतलब ये थोड़े ही के पैदा होते ही वो राजा बन जाएगा। कृष्ण प्रत्यक्ष होता है तो बच्चा बचपन में ही उसको राजा ही मिल जाएगी, क्या संपूर्ण हो जाएगा? पढ़ाई नहीं पड़ेगा? कृष्ण का जन्म होगा तो जन्म होते ही राजा मिल जाएगी, संपूर्ण बन जाएगा, पढ़ाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी भी कृष्ण बच्चे की पढ़ाई चालू है, समय में ना।
एम से स्वतंत्र होता है दसवें जन्माष्टमी के दिन, और वो दिन होता है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। माना ऐसे होता नहीं है क्या कि 15 अगस्त भी हो उसी दिन और उसी दिन जन्माष्टमी भी हो? स्वतंत्रता भी मिलती है जेल से, स्वतंत्र भी होता है और साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है, अभी भी कृष्ण की बुद्धि में बैठा नहीं है कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि 63 जन्म कृष्ण की आत्मा के लिए सारी दुनिया ये समझती रही क्या कि गीता का भगवान कृष्ण है, तो कृष्ण की बुद्धि में इतनी जल्दी कैसे हट जाएगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, साकार में शिव शंकर भोलेनाथ है। और पढ़ाई चल रही है तभी तो वो घड़ी घड़ी संपूर्ण स्वरूप को बीज रूप की स्टेज को छोड़ करके साथ छोड़ करके और गुलजारदास जी प्रवेश कर जाते हैं, वो आ जाता है, वो आता है माने नष्ट मोहा नहीं हुए, नष्ट मोहा नहीं हुए माने संपूर्ण आत्मा नहीं बनी। आप तेलुगु में बता दीजिए। आप तो शुद्ध नहीं बोलते, आपके पास आऊंगा ఇప్పుడు మీకు చీర సాగర మతనం తెలుసు కదా, మరి దాంట్లో ఏమొచ్చింది మరి అదే కదా చెప్పడం, మన చిత్ర కమ్మేస్తే విష్కై కాదు అమృతి మనం చింతన మంథన్ కర్నే వాళ్ళే జో హే, देवताओं को भी मंथन करते हुए दिखाया गया और वैश्यों को भी मंथन करते हुए दिखाया गया। देवताएं जो है वो पूछ पकड़ के मंथन करते हैं माने पानु करते हैं, क्या वो पानु करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, जैसे भगवान डायरेक्शन देते हैं वैसे चलते हैं, और जो असुर है वो क्या करते हैं वो मुंह पकड़ते हैं, ऐसे क्यों बोला वैसे क्यों बोला, इस टेस्ट में ऐसे बोला गया और उस टेस्ट में वैसे बोला गया, माना अपोजिशन करने की कोशिश करते, तो उनको बीच मिलता है, मुख पकड़ते हैं तो क्या मिलेगा, सर्प का मुख पकड़ेंगे तो बीच मिले, तो उनको बीच मिलता है क्योंकि अपोजिशन करते हैं, और देवताओं को अमृत मिलता है क्योंकि वो पानू करते आखिर। फिर भी जो वित्त का घड़ा निकलता है, आधा हल वित्त निकलता है, वो फिर भी सुरक्षा करने के लिए शंकर जी को पीना पड़ता है,
जबकि राक्षसी शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देवताएं ही देवताएं अगर दुनिया में रहे तो भी ड्रामा बढ़िया नहीं बनेगा। ड्रामा में अच्छे भी चाहिए तो बुरे भी चाहिए, देवताएं भी चाहिए असुर भी चाहिए। देवताओं की संख्या थोड़ी और असुरों की संख्या ज्यादा, फिर भी जीत किसकी होती है? देवताओं की। पूछना करना तो नहीं है, आठ में उतर कर आठ मार्च उन्नीस सौ सत्तर बाबा उनको पाँच सत्तर की है तो जो है पाँच सत्तर की है काम करो जो मनुष्य का शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है। आत्मा की जो पांच तत्व हैं वो परिवर्तित होने वाले होते हैं। आत्मा अविनाशी है, वो तत्व ही अविनाशी है, वो कभी परिवर्तित होने वाला नहीं है। हाँ, आत्मा को संग का रंग लगता है, जब रंग लग जाता है तो सत्व प्रधान से तमो प्रधान भी बन जाती है। जैसे बाप का संग लगता है, सत्य बाप का संग लगेगा तो तमो प्रधान बनती है, तमो प्रधान मनुष्यों का संग लगता है तो तमो प्रधान बन जाती है। आत्मा तो सोना है सतयुग में, तो सत्य सोने में जब दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं जो ऊपर से उतरती हैं उनकी खाद पड़ती जाती है संग की रंग, तो डिग्रेड होती जाती है। बाकी आत्मा कोई विनाशी तत्व तो नहीं है। जो पांच तत्व हैं दुनिया के प्राकृतिक तत्व तो, वो विनाशी तत्व तो हैं। क्या है ये विनाशी तत्वों से ये शरीर मनुष्य का बना हुआ है, वो आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है वो तत्व तो शारीरिक विनाश होता है, शरीर का विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। तो अष्ट अष्ट धातु कौन कौन सा बनता है? अष्ट धातु जो है ये सोना तांबा चांदी ये सब धातु है ना, गिलट सब धातु है। अष्ट धातु की मूर्ति होती है ना, अष्ट देव कौन कौन? वही उन्हीं की मानिंद बताई गए हैं कि आठ आत्माएं दुनिया की ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो जब सात्विक रूप में आती है तो वो आठ रत्नों के रूप में गिनी जाती है या अष्ट देवों के रूप में भी गिनी जाती है। बाबा जो बेसिक में है जैसे हम उनको ज्ञान देना चाहते हैं, कौन सी ऐसी युक्ति से जाएं जो उनको थोड़ी समझ आए, मतलब हमारी बात जाएंगे तो बाबा मदद करेगा। सिर्फ गुप्त रखिए अपने को, प्यार से उनको समझाओ जो उनको उनको ठेस न लगे। पांडव तो गुप्त होकर के घूमते हैं ना, अपने को पहले ही प्रत्यक्ष कर देंगे कि हम बड़े ज्ञानी हैं तो हमारी बात तो सुने भी नहीं। बाबा चार कन्या है जो ये करेगा भक्ति करके धन प्राप्त। कहाँ की है? सारा मेरा भाई। तो मना उनको किसने किया? दो को तो चीज मिल गई है। हाँ, दो को भी जुलाई में पहले दूसरे तरीके को मिलेंगे। हाँ तो हो गई खत्म फिर क्या? तो ये करिए हम तो जल्दी जाना चाहते हैं तो रात में काट भी जल्दी हो सकती है जल्दी भक्ति करें। वो फीस ही लेकर के ही जाए। अच्छा, और माँ बाप को लेके नहीं जाएंगे? हाँ लेके जाएंगे। फिर क्या बात है? हाँ जी। और बाबा एक
आपने जो है किसी ने कहा कि सत्य भगवान की कथा जिसे कहते हैं, हाँ जी, उसमें पकड़ा रहे की कथा है, राजा की कथा है, लेकिन एक भगवान की कथा मुर्गियों में ये मत, मतलब ऐसी कोई धारणा नहीं है कि मुर्गियों में आस्था प्रत्यक्ष आस्था 100% आस्था है मुझे, लेकिन मैं थोड़ा वर्चुअल आदमी बाबा जो मुर्गियों में बार बार कहते हैं कि मैं तुम्हें आज ही मध्य और अंत का ज्ञान देता हूँ, हाँ जी, लेकिन ज्ञान है सच तो है, ज्ञान है सच जो है, हाँ, वो तो या आप तो या तो कंपाइल कहीं कर दीजिए, कंपाइल, हाँ, एक जगह कि आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या है, आदि मध्य अंत का ज्ञान ये है, एक लाइन में सुनो, सारी सृष्टि का बीज कौन है, शिव भगवान, जो बाबा जो सारी सृष्टि का बीज है वो मनुष्य रूप में है या नहीं है, है? मनुष्य के शरीर का संक्रमण को जरूरत तो पड़ता है, मनुष्य सृष्टि का बीज हम पूछ रहे हैं, है? वो तो आत्माओं का बीज है जिसको तो आप शिव शब्द लगा देते हैं, तो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उस बीज का आदि मध्य अंत हो गया, अंत है, अंत बीज, अंत इसलिए है तो उस आत्मा को भी परमधाम वापस जाना पड़े, तो राम बाप आप सामने बैठे हुए तो हम कैसे करें, वो उसको भी नहीं है वो, ठीक है, ये इसलिए अंत नहीं कहा जाता है कि कोई उसको अंत समय में जारी सारी दुनिया का विनाश होगा तो उस आत्मा को वापस जाते हुए कोई नहीं देखे, शरीर छोड़ते हुए कोई देखेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा परमधाम वापस जाएगी नहीं, वो भी वापस जाएगी, ऐसी सृष्टि पर कोई आत्मा नहीं होती है जिसको शरीर अंत में न छोड़ना पड़े, सबको शरीर छोड़ करके वापस जाना है, तो उस बीज रूप बाप के आदि मध्य अंत को जानना माना रचयिता के आदि मध्य अंत को जानना, और उस रचयिता बाप का जो पहला बच्चा है सतयुग का पहला पत्ता कृष्ण, उसके आदि मध्य अंत को जानना माना रचना के आदि मध्य अंत, सीढ़ी के चित्र में रचयिता और रचना दोनों का आदि मध्य अंत दिखाया गया है, लक्ष्मीनारायण में भी दिखाया गया है, लक्ष्मीनारायण में नरसिंह नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण ऊपर खड़े हुए हैं, रचना के रूप में राधा कृष्ण नीचे खड़े हुए हैं, हाँ जी, कन्या चारों मिलने के लिए आई थी, हाँ जी, मुझे रात से मई नहीं रह गई है, आने नहीं दिया उनको, क्यों बच्ची नहीं की है, बच्ची नहीं है, बच्ची नहीं हुई, बच्ची नहीं हुई है, तो आप उन्हें बच्चा नहीं बनने देंगे बाबा का, जो दर्शन करने वाली इच्छा वाले होते हैं वो भगत होते हैं या बच्चे होते हैं, वो तो भगत हो गए, दर्शन करने की इच्छा तो नहीं करना है, है? अब बात करें इनसे पहले कि ये खाना शुरू करें, हो गई बात, ये जा रहे हैं ना, ये भी बात देंगे, भाई बांटेंगे, बैठो, हाँ, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार अभी नहीं हो गया, बस बोल भक्ति, खाओ खिलाओ बाबा, एक प्रश्न, हाँ जी, जैसे मतलब जैसे कोई बड़े बड़े महाराजा हुए हैं तो उनके नाम से सड़क का नाम रख देते हैं, सड़क का नाम रखते हैं, रिठाला का दुकान का नाम रखते हैं, मकान का नाम रखते हैं, तो जैसे रिठाला का नाम है तो उसका कोई शाब्दिक अर्थ है ऐसा, है? जैसे आप कपिल का तो बताते हो कि कपिल मुनि ने तपस्या करी तो इस नाम के लिए नगरी प्रसिद्ध हुई, तो रिठाला का भी कुछ अर्थ बनता है क्या, रिठा होता है, है रिठा आला, आला आला माना ऊंचे किस्म का, ऊंचे किस्म का सफाई करने वाला है, थैंक यू, है बाबा गीता पाठशाला खोलिए, युगल दोनों ज्ञान में चलते हैं, दोनों गीता पाठशाला खोले, बेसिक ज्ञान का और एडवांस ज्ञान का अच्छा अनुभव होना चाहिए, पढ़ी नहीं है क्या, पढ़ी लिखी नहीं है, और पढ़ी लिखी नहीं है तो कोई बात नहीं, मुरली तो पढ़ते सुनते हैं, हाँ, वो तो मुरली का ज्ञान तो है, हाँ।
प्योरिटी की धारणा तो आपके मुकाबले ज्यादा पक्की है ना, इसलिए वो टीचर है। पतित दुनिया में उन्हें कहते हैं जो पतित संकल्प चलाते हैं, पतित वाचा चलाते हैं, पतित कर्मणा चलाते हैं, कर्मेंद्रिया चलाते हैं पतन की ओर, उसको पतित दुनिया कहते हैं। पावन दुनिया उसे कहा जाता है जो पतित संकल्प भी नहीं चलाते, पावन संकल्प चलाते हैं, पवित्र संकल्प, पवित्र वाचा चलाते हैं, जो भी बोलेंगे पवित्र बात बोलेंगे, कोई ऐसी अपवित्र बात नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे को तकलीफ हो जाए। और जो भी कर्मेंद्रियों से कर्म करेंगे वो भी पतित पने का कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे आसक्ति आ जाए, अपने को आसक्ति आ जाए या जिसके साथ कर्म करेंगे उसको आसक्ति आ जाए, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे। आसक्ति आती है तो आदमी को दुख होता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब हमको मतलब एडवांस में आए तो हमको मतलब गिफ्ट मिली है, मतलब गिफ्ट दिया, इसके पापा बोले कि भाई लड़की को कुछ नहीं दिया तो उन्होंने मतलब जमीन दे दी भाई कन्या को। हाँ जी। तो आप अब बनवा रहे हो उसमें वही क्या बनवा रहे? मकान बनवा रहे। मकान बनवा रहे, जब आप ज्ञान में आ रहे हैं तो मकान क्यों बनवा रहे? फिर दुनिया को निश्चय कैसे होगा कि आप इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं? ईश्वरीय ज्ञान तो कहता है बिना सामने खड़ा है। लड़की को तो देना ही होता है, लड़की को देना होता है तो जमीन जायदाद लड़की को दे दी, उस लड़की उस जमीन जायदाद को सफल करे। अच्छा। और उसको मिट्टी में पैसा बहा देंगे तो क्या फायदा होगा? ये दुनिया भर की बिल्डिंगें बनाते चले जा रहे हैं अज्ञानी लोग, उन्हें क्या ये मालूम है कि दुनिया का विनाश होना है? कितना पैसा खर्च किया जा रहा है? बाबा मैं कुछ कर सकता हूँ, शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। क्या? तो हमारे दिल्ली जिस इलाके की बात कर रही हूँ, हाँ? वहाँ पर थोड़ा हम लोग कुछ करना चाहते थे। क्या करना चाहते? यही आपका ज्ञान देने के लिए। उसके लिए बिल्डिंगों की जरूरत ही नहीं? तो नहीं, कुछ जरूरत तो जरूर पड़ती है। कोई जरूरत नहीं है, बाबा ने बोला है यज्ञ के आदि में मम्मा के कमरे से भी छोटा कमरा था जहाँ सत्संग शुरू किया था। तो ऐसे छोटा ही कमरा बन रहा है और क्या, कोई बिल्डिंग थोड़े बन रही है? कुछ नहीं बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, झोपड़ी डालो और काम चलाओ, बस कुटिया ही है, बस बस कोई खर्चा नहीं है कुटिया। इस ज्ञान, ये कितना बढ़िया ज्ञान है, इसमें एक भी पैसा खर्च करने की बता रही है। एक बात ये है ना, जो पापा पहले नहीं दे रहे थे आपके बनने के बाद, वो कुछ जो प्रॉपर्टी दे दी उस प्रॉपर्टी को ईश्वरीय सेवा में लगाओ। तो वही आप ईश्वरीय सेवा का मतलब ये नहीं है कि उसमें खर्चा करे, थैली डालने की जरूरत नहीं है। वो प्रॉपर्टी आपको ईश्वरीय सेवा करने के लिए प्रेरित करे, साधनों से सेवा नहीं होती है, आपकी साधना से सेवा हो। पहले वो टीचर थी बीके में, तो अभी एक बात आ गई है। टीचर बीके में तो उनका प्रॉपर सेंटर वगैरह होता है, तो थोड़ा सा वो अपने लिए मतलब की हुआ है टीचर बैठने के लिए है। शायद कमला भान एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है अच्छी तरह से। वो बीके में तो उनको प्रॉपर सेंटर दिया हुआ था ना द्वारका में। बीके में और पीबीके में यही तो अंतर है। हाँ जी बाबा। क्या अंतर? यही है कि आपने तो बता दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसे हाँ आप ध्यान दे रहे हैं हमें पार्क में बैठ के। हाँ जी। दो बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड। हाँ? लेकिन थोड़ा सा जैसे हमारे जैसे पता है बनी बनाई बिल्डिंग ऑफर की होती बाप ने। हाँ। तो कोई बात नहीं। नहीं वो ऑफर किए थे वो, लेकिन उसमें थोड़ा सा जम नहीं रहा था, अच्छा नहीं हो रहा था। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। हाँ। लेकिन अगर उन्होंने प्लाट दिया है, बन रही है या जमीन दिया है तो ईश्वरीय ज्ञान में अभी बाबा का शुरुआत से नियम है कि हम ज्ञान के लिए कोई बिल्डिंग बनाने की दरकार नहीं है, प्रॉपर्टी बनाने की दरकार नहीं है, दरकार है तो शायद आपकी आशीर्वाद का। हाँ, वो गिफ्ट बाबा एडवांस में मिलने के बाद ही मिला है। मिला अच्छा, अच्छी बात है। प्रॉपर्टी जो भी है सारा हुआ, माता पिता से जो भी प्रॉपर्टी मिलती है, जो ज्ञानियों को प्रॉपर्टी मिलती है तो ज्ञान में उसको उपयोग करें, अच्छी बात है। ज्ञान से तो ये नहीं कि बिल्डिंग बनाने से ही ज्ञान हो जाता है, कोई जरूर ब्रह्मा कुमारी ने बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना ली तो उससे क्या सच्चा ज्ञान फैल रहा है क्या? सच्चा ज्ञान अलग हो गया, उनकी बिल्डिंगें अलग हो गई, दुनिया में दुनिया वालों की बिल्डिंगें ऊंची ऊंची अलग हो गई और ज्ञान भगवान का अलग हो गया। बाबा के पास तो अभी ऐसी कोई इकट्ठी एक जगह कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, सिर्फ कन्याओं की जो प्योरिटी है वो ही सुरक्षा की बात है।
और तो कुछ है नहीं। अभी ऐसा कोई माहौल नहीं ऐसा दिखाई पड़ रहा है जो हिंदू मुसलमानों का ऐसा दंगा हो गया हो कि मुसलमान आकर के घरों में घुसकर के कन्याओं को माताओं को उठा के ले जाए, ऐसी अभी स्थिति नहीं है। आगे चल के ये स्थिति आनी है, दुनिया का सबसे बड़ा विनाश होना है भारत में, हिंदू मुसलमानों का तो ज्यादा ही खून रहेगी उनकी। दिल्ली में खास करके दिल्ली कब्रिस्तान दिल्ली पर जैसे आदि में साक्षात्कार का विषय सुनाने होने से डाला गया। हाँ जी, वैसे तो अंत में भी होगा, वो भक्तों के लिए होगा, आदि में भी भक्तों के लिए हुआ। वो देखा भी जो भक्त साक्षात्कार करने वाले थे वो भक्त के भक्त रह गए, ज्ञानी तो नहीं बने, ज्ञानी नहीं बने। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो भी साक्षात्कार किया और सारे सुनाए गीता माता को, तो वो साक्षात्कार जैसे आदि में सुनने सुनाने के हुआ वो अंत में भी होगा? क्यों नहीं होगा? तो अंत में ये किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा होगा? बड़ी अभी भी हो रहे हैं साक्षात्कार, बड़ी मम्मी के द्वारा सुनने सुनाने के होगा या फिर जो हमारी छोटी मम्मी है उसके द्वारा? मम्मी तो आदि में भी सुनना सुनाना किया, अभी अंत में भी सुनना सुनाना करती। तो कौन सी मम्मी सुनाएगी? बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी सुनाए, बड़ी मम्मी किन किन को सुनाएंगे? छोटी मम्मी को, छोटी मम्मी है तो छोटी मम्मी ब्रह्मा बाबा हो, गीता माता हो गया। छोटी मम्मी असली गीता माता, कोई भी कार्य करने वाला जो है वो करने वाला वो बनता है जो प्रैक्टिकल में कार्य को संपन्न करके दिखाए। जो सिर्फ भाषण करता है, सुनता है, सुनाता है, सिर्फ यहाँ तक सीमित रहता है, उसे करने वाला नहीं कहा जाता। तो बाबा जैसे 69 में हुआ, हाँ, जैसे कि रामपाली आत्मा गए यज्ञ छोड़ने के, वर्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में गए, तो उनको तो जो भी ज्ञान की बात हुआ छोटी मम्मी ने सुना है, सारी बात सुना दी है। हाँ, तो समझ में भी तो आनी चाहिए। फिर रामपाली आत्मा ज्ञान माने जानकारी, जानकारी तो जानकारी सच्चाई की समझ में आए तभी तो जानकारी कही जाए। तो बाबा राम वाली आत्मा ने फिर सुनकर समझकर रहस्य को जानकर फिर तो बताया उनको भी। किनको? मतलब बीके में तो बताए ना कि तो बीके वाले सुनने वाले कहाँ हैं जो उनको बताए? लेकिन समझे तो सुने नहीं। कहाँ समझे? तो वो अगर समझ जाते तो फिर लत्संग क्यों करते? वो तो ठीक है, वो लोग नहीं मानने के लिए नहीं तैयार है, नहीं मानने के लिए तैयार तो है कि सच्चाई उन्हीं का है, हम झूठे हैं। क्या दस तभी के वाले मानते हैं कि हम झूठे वो सच्चा है? वो शाम पेपर पे आपको लिख के दिया है? और दूसरी बात बाबा, आप मुरली में बताएं कि जैसे यज्ञ माता टाइटल धारी जो ओम रदे मामा थी, शरीर छोड़ी, उसके शरीर छोड़ने के बाद ही आदि वाली माता यज्ञ में आ गई। और जैसे ही दादा लेखराज शरीर छोड़े, तो यज्ञ पिता यज्ञ में आ गया, तो 65 में ओम राधे मामा शरीर छोड़ी, और 66 में वेदांती माता यज्ञ में आ गई, और जैसे 69 में ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़े और प्रजा पिता जो थे वो यज्ञ में आ गए। इस बात से तो ऐसे लगते जैसे कि यज्ञ का माता पिता जिसे कहते हैं, और भारतीय शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि जगत का माता पिता शंकर पार्वती है, तो वास्तव में असली पार्वती तो वेदांती माता है। तो असली जगदम्बा पार लगाए तो पार्वती, तो असली जगदम्बा भी और, तो बाबा वही और, और पार न लगाए बीच में ही छोड़ दे तो उसे पार्वती कहा जाएगा? नहीं कही है। प्रैक्टिकल काम तो करने लगाने वाली भी वेदांती माता है। और तो फिर इस हर चीज देखते हुए तो सब बातें सही है, असली जगदम्बा तो सारी बातें सही है, लेकिन कार्य जो शुरू करता है भले पूरा नहीं कर पाता है, और एक के कार्य शुरू करने के बाद सैकड़ों उसके पीछे लग जाते हैं, उसका भी कुछ महत्व तो होगा या नहीं होगा? वो तो है बाबा, उसको तो है महत्व, बहुत बहुत है, थोड़ा नहीं। अगर जगदम्बा सरेंडर न होती तो उसके पीछे जो ढेरों की ढेरों सैकड़ों कन्याएं सरेंडर हो गई, ये हिम्मत कैसे करती? ये बात तो अच्छी बात है बाबा। तो जो गलत ज्ञान का उठाया वजन उठाया उसका भी महत्व, उठाने वाला हाथ अगर न उठाए और कलश को गिरा दे तो क्या हाल होगा? तो फिर लक्ष्मी को प्राप्ति हो जाएगी। तो लक्ष्मी की भी प्राप्ति का आधार जगदम्बा आधार है। असली में जिसे जो जगत के माता पिता बनकर प्रत्यक्ष होंगे, जैसे एडम ईव भी कहते हैं, आदिदेव आदिदेवी कहते हैं, जो प्रत्यक्ष होंगे वो तो वेदांती माता है, उनके बच्चे बनेंगे दादा लेखराज होंगे मामा, ठीक है बनेंगे, सारी बातें सही है। लेकिन जो फाउंडेशन डालता है
उस फाउंडेशन का भी महत्व होता है। ये महत्व है फाउंडेशन के, पत्थर को कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। और जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है, ऊपर कंगूरे लहराते हैं, उन कंगूरों को सब ऊंची नजर से देखते हैं। लेकिन भगवान जो है वो गीता माता को प्रेफरेंस देता है। वो गीता माता यज्ञ के आज में भी थी, वो गीता माता अभी भी यज्ञ के अंत में है। वही गीता माता जो है वो सब भारतवासी माताओं की माता है। भारत माताओं की जैसे दुर्गति होती है, उनमें सबसे जास्ती दुर्गति होती है गीता माता। तो गीता माता असली में जो है, जिनकी जास्ती दुर्गति होती है उन्हीं के लिए बोलता है भगवान। तो भगवान एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब सब पावन बन जाते हैं। उसके ऊपर सारा मदार है, फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन हिला तो सारी बिल्डिंग हिल जाएगी। बहुत रंगवत के बीच कौन है, जम्मा या प्रजापिता? बाप होता है जम्मा होती है। तो फिर एक की पतित होने से सारी सृष्टि पतित हो जाते हैं, एक की बहुत। ये आधार है, धरणी है, और इसके ऊपर ये पेन खड़ा हुआ है। अगर ये धरणी हिलेगी तो ये इसका क्या हाल होगा? ये हिलेगा, गिरेगा, खलासी हो जाएगा। तो धरणी जो आधार है, वो जब फसल बोई जाती है तो पहले क्या किया जाता है, बीज को भी परिष्कृत किया जाता है, और साथ में धरणी को भी परिष्कृत किया जाता है। और बाबा कंपिल में जो ये द्रौपदी कुंड बना हुआ है, हाँ जी, ये कौन सी मम्मी की यादगार है? जो द्रौपद पाने वाली है, जिसकी सारी दुनिया निंदा करती है, सारी दुनिया हाहा करती है, डूबी डूबी गई के गई। तो बाबा ये तो, और बाप कहते हैं ये नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, ये ध्रुव पद पाने वाली। ये तो लोग कहते हैं गई गई के, तो बड़ी मम्मी के लिए कहते हैं। बड़ी मम्मी का भी ध्रुव पद है और छोटी मम्मी का भी ध्रुव पद है, दोनों के ध्रुव पद साथ। तुम सब द्रौपदियाँ हो, जो भी स्त्री चोले में पुरुषार्थ करने वाली है वो सब द्रौपदियाँ हो। नंबर वार तो तुम साफ सीताएं हो, तुम साफ भक्तियाँ हो। अच्छा बाबा, तो नारी द्रौपदी ही तो नारी से लक्ष्मी बनती है, और अर्जुन ही तो द्रौपदी से नारायण बनते हैं। द्रौपदी में भी दो रूप हैं, एक है आत्मिक रूप और एक है देह का रूप। जो देह का रूप है वो प्रकृति का रूप है। प्रकृति जो है वो जड़त्वमयी होती है, माने बुद्धि से जड़ होती है थोड़ी। क्या जो बाबा ने बोला है, मेरे साथ रहने वाले, लंबे समय तक साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। तो जड़ बुद्धि हुए, चैतन्य बुद्धि हुए, जड़त्वमयी प्रकृति होती है, और जो आत्मा होती है वो चैतन्य होती है। दूसरी बात बाबा, जैसे कि शास्त्र में लिख दिया है कि गीता का भगवान को भी बोल लेने दो, तब तक वो भूल जाएगा। तुम तो अपने बाबा बीच में भूकंप आया था दिल्ली में, हाँ जी, तो दिल्ली को जाना था, तो वो ट्रांसफर होके पाकिस्तान में चला गया, तो कारण क्या हुआ? तो अर्थ क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? दिल्ली का काम बाद में होना है कि अभी हो जाना है? मतलब भूकंप दूसरी जगह चला गया, और अभी दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन कहाँ पड़ा है? पहले स्थापना होगी या पहले विनाश हो जाएगा? पहले स्थापना है, इसलिए ट्रांसफर हो गया। आप पर्सनल बात मत करिए, आप ज्ञान की बात करिए। ज्ञान की बात है, तो मुझे आने के लिए आज तक भी छुट्टी आ रही है, आज तक भी छिटके आ रही है, 9-10 साल बीते न कभी, वहाँ भी छिटके ही गई ना, और अभी भी छिटके आ रही, बच्चे भी छिटके जा रहे। माने माताओं को जो पुत्र होते हैं कृष्ण कन्हैया जैसे, वो कलयुग में आकर के अधीन कर लेते हैं, माताओं की कसम बन के बैठते हैं। क्या बाप कहते हैं, यही पाप कर्म है। क्या माता किसी को सुनाना दे गया? हाँ माता, तू माता है, माता की तो महिमा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, कि उसको जेल में डालना चाहिए। तो अब मैं अभी तक छिपके आ रही हूँ, मैं ये यहाँ तक बाबा से मिलन भी मैंने छिपके मनाया। तो वो आपको छिपना इसलिए पड़ रहा है कि आप शिव की शक्ति नहीं बन रहे। क्या एक के बनेंगे तो आप शिव शक्ति बन जाएंगे, फिर वो आपको बंधन में रख नहीं सकेंगे। माताएं हैं जिनका पति नहीं है मौजूद, वो माताएं, उनको लड़कों के बंधन में रहने की क्या दरकार?
वो उठ करके जाकर के आश्रम में बैठ जाएंगी तो लड़के उनका क्या बिगाड़ लेंगे, बिगाड़ पाएंगे? पुलिस के फोर्स में जबरदस्ती घर में से ले जाएंगे? नहीं बिगाड़ेंगे। अरे तू हमारे कौन होते हो? क्या करूँ क्या, पेड़ को पकड़ लिया है, कहते हैं पेड़ ने हमको पकड़ लिया, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, हे बाबा हमको छुड़ाओ। बाबा गुड्डी भी बोला है तुम बच्चों को ब्रह्मा को फॉलो करना है, तो हम बच्चे ने तो दादा लेकर उसको भी नहीं देखे, जिसको देखा नहीं उसको फॉलो नहीं कर सकते। बाबा फॉलो करेंगे तो हम खुद को देखेंगे, एक्टिविटी इन्होंने बहुत ऐसे किए, ये किए, मालूम नहीं है। मुरली से तो पता नहीं चल रहा है, मुरली से तो पता चल रहा है बाबा, पता चल रहा है फॉलो करो। लेकिन जैसे आप कह रहे कि तुम बच्चों को मुरली से, ओ सॉरी, तुम बच्चों को ब्रह्मा को फॉलो करना है, ऐसे तो लगता है कि जो ब्रह्मा को वैष्णवी बनती है उस ब्रह्मा को फॉलो करना है, या जो दादा देवराज बड़ी मम्मी में वैष्णवी विष्णु और ब्रह्मा एक ही है क्या? नहीं, ब्रह्मा तो बाबा बोले कि विष्णु पालना करने का निमित्त है और ब्रह्मा जो है स्थापना करने का निमित्त है, तो दोनों को मिला के एक कैसे कर दिया अभी? तो ब्रह्मा तो विष्णु बन जाता है ना बाबा? बन जाएगा तब हो जाएगा, एक अभी तो नहीं है। तो अभी हम बच्चों अभी स्थापना का काम ही पूरा नहीं हुआ, तो अभी हम बच्चों को किस ब्रह्मा को फॉलो करना चाहिए? उसी ब्रह्मा को फॉलो करना चाहिए जिसने सर्व गुणों का जो भंडार है, सर्व गुणों का जो मुखिया है, सहन शक्ति, उस शक्ति को धारण किया। शक्ति को किसने धारण किया? तो जिसने धारण किया वही ब्रह्मा का असली रूप है, उसी को फॉलो करना, उसको फॉलो करना है। अपने जीवन में उसने जो कर्म किए उन प्रैक्टिकल कर्मों को हमें भी अपने जीवन में करना है। और बाबा जैसे कि गीता के भगवान कृष्ण को बता दिया गया है, हाँ जी, तो जिस तन से भगवान श्री प्रत्यक्ष होंगे, हाँ जिस तन से प्रत्यक्ष होंगे, तो वही तो संगम योगी कृष्ण है, राम है, नारायण है, शंकर है, उसी व्यक्ति को कहा गया है। तो उसमें जो नाम डाला गया है वो तो आप भी बाबा मुरली बताए हैं कि सारी कहानी संगम युग की है, कोई सतयुग करेता द्वापर की तो है नहीं। तो बताओ, तो संगम युग में जो कृष्ण बन के प्रत्यक्ष होता है वो तो राम वाली आत्मा है? राम वाली आत्मा सच नहीं है, कृष्ण वाली सोल ही उसमें कृष्ण बन के प्रत्यक्ष होती है। राम वाली आत्मा तो इस समय याद करती है, क्या वो एक को प्यार करती है, एक को याद करती है, वो एकलव्य है, उसमें जो प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो श्याम पार्ट बजाती है और अंत में वो ही सुंदर पार्ट बजाती है। कृष्ण वाली जो अधूरी सोल चंद्रमा के रूप में दिखाई गई है, अर्धचंद्र के रूप में, उसके ऊपर अभी शंकर ने सवारी नहीं की है, क्या? हाँ, जब सवारी कर लेगा तो उसके कंट्रोल में आ जाएगा, माने बुद्धि के कंट्रोल में मन आ जाएगा। मन जब पूरी तरह बुद्धि के कंट्रोल में आ जाएगा तो काम देवता के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी, फिर काम जीते जगत जीत कहा जाएगा, नारायण कहा जाएगा, फिर उसको शंकर शंकर नहीं कहा जाएगा। मेरा एक प्रश्न और है, ये जी जागरण पर आजकल डेली प्रोग्राम आ रहा है जीके का, मॉर्निंग फ्रॉम 8:30 to 9:30 है, हाँ जी, लेकिन हम लोग हमेशा दुखी रहेंगे सही रहेंगे हमेशा, बाप प्रत्यक्ष हो गया है? नहीं तो फिर हम क्यों प्रत्यक्ष होना चाहेंगे? हमारे अंदर इच्छा क्यों है कि हम पहले प्रत्यक्ष हो जाएं और बाप गुप्त बना रहे तो बना रहे, ऐसा मुसलमानों वाली बात हो गई। जब हमारा बाप ही गुप्त है, उसको ही हमने प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, तो हमें प्रत्यक्ष होने संसार में पूजा लेने की हमें कोई तमन्ना नहीं है। जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, सूर्यवंशी सितारे हैं, वो सितारे दिन में सूर्य के प्रकाश में अपने प्रकाश को मर्ज करके रखते हैं। जब तक बाप जीवित है तब तक बाप ही मालिक है, और जब बाप न रहेगा तब देखा जाएगा, तब भी हम बाप का नाम बालक करें। बाप के घर हथियार, बाप के घर हथियार लेके आ सकते हैं? लक्ष्य देखा जाता है हर बात का, लक्ष्य क्या है, कोई भी कार्य का लक्ष्य देखा जाता है, लक्ष्य अच्छा है, भावना अच्छी है तो पुण्य बनता है, और भावना खराब है तो पाप बनता है। पवित्र स्थान में जाना, हाँ जी,
नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम इसलिए ले जाना चाहते हैं कि हम रात में पहरा देंगे। जोर तो होगी कोई चोर चकारन, कोई चोर चकार अंदर ना आ जाए, कोई जोर जबरदस्ती ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि बौद्धियों की तरह बन जाए, मुसलमानों का आक्रमण हो और वो कहें कि अहिंसा परमो धर्म, बीवी बाल बच्चों को ले जाए उठा के और वो हाथ उठा के खड़े हो जाए। पतित दुनिया 500 करोड़ आत्मा जा रहे थे उनको कहा जाता है। तो श्री कृष्ण का जन्म 18 में होगा, 18-19 में, तो 500 करोड़ की तो दुनिया रहेगी। बाबा ने बोला पतित दुनिया में पावन पावना रख सके और पावन दुनिया में पतित पावना रख सके। क्या समझते हैं जहाँ कृष्ण का जन्म होगा वो पतित लोग प्रवेश करेंगे? नहीं बाबा की ये बात तो झूठी हो जाएगी कि तुम पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी पतित भिखारी पाँव रख न सके। तो 500 करोड़ दुनिया पाँव रख सके इसका मतलब है तो वो भिखारी दुनिया है, और पाँव न रख सके माने निर्भिकारी दुनिया है, माने वो संगठन अलग हो जाएगा। अभी भी बोला व्यक्तवाणी में अष्टदेवों के सामने कि तुम बच्चों को नई दुनिया की बाप दादा ने सौगात दी है, तो दी है तो वो सौगात पुरानी दुनिया के बीच में वो संगठन होगा या नई दुनिया के बीच होगा? पुरानी दुनिया के बीच में, जो कराची में जो संगठन तैयार हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी और वो 300-400 बड़े आराम से रहे पड़े थे, तो नरक के बीच स्वर्ग प्रत्यक्ष हुआ ना। तो आज में जब नरक के बीच स्वर्ग का सैंपल दिखा दिया तो जो आज में हुआ वो अंत में भी हुआ। लक्ष्मी नारायण के क्षेत्र में राधा कृष्ण के जिसके दिखाया गया प्राकृतिक सुंदरता, तो वो तो वातावरण और वो वायुमंडल तो मिलेंगे नहीं शायद, क्योंकि 500 करोड़ दुनिया जहाँ पे वो तो दूषित वातावरण और वायुमंडल है। बाहर की दुनिया हाय हाय करेगी और जो वैजयंती माला के विजयी वत्स होंगे वो मस्ती में रहेंगे, वो बाप के असली बच्चे फॉलो करने वाले। जाम भट्टी करवा कर लाई माता है, वो कहती है आप जहाँ में चलो वहाँ चलो, मेरे मतलब बंधन में रहो। उनके बंधन में क्यों रहे? अब हमें पाप मिल गया, अब हम बहन मामा मुड़ गया, हमें तो ऐसा लगता है भगले की जाम तो वो कहती है मैं न जाऊंगी। कही हम नहीं मानते, हमें तो पाप मिल गया, हमने तो बोलना बंद कर दो, बोलना बंद मत कर दो, लेकिन खुद कर दिया कोई बात नहीं, वो काम तो ब्रह्मा कुमारियाँ भी करती है बाबा। मेरे बंधन में रहो, जैसे कि बाबा ने बोला कि जब परम धाम खाली हो जाएंगे, परम धाम खाली होता है कभी? ये बाबा कह रहे कि बाबा ने बोला था मुंडी में कि सारे बाबा ने कभी नहीं बोला को तब तक इस सृष्टि पर रहना है जब तक पूरी स्थापना नहीं होती है, और जिस दुनिया में नया पैराडाइज कहो जन्नत कहो या बैकुंठ स्थापन कहो वो नहीं होता है तब तक यहाँ रहना है। जैसे ही वो स्थापन होता है तो बाहर की दुनिया में विनाश हो जाता है, होना शुरू हो जाता है, तो बाहर की दुनिया में फिर रह करके क्या करेंगे? जैसे 18-19 में राम वाले आत्मा जो है लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, 4.5 लाख तो नहीं लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, जो टेम्पर परमानेंट रथ है जो 4.5 लाख हैं जन्म देने वाले वो सब तो नहीं लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे, नहीं नंबर वार बनेंगे ना, टाइम लगेगा ना, तो उन बच्चों के लिए भी तो सृष्टि पर रहना पड़े ना, तो जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश होता जाएगा। उस टाइम परमानेंट रथ में नहीं रहेंगे क्या? क्यों नहीं रहेंगे? संपूर्ण बन जाएंगे ना, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, तो उसमें तो प्रवेशता की कोई बात ही नहीं रहा ना। प्रवेशता की बात तब तक है जब तक जीना है तब तक पीना है, और किससे पीना है? जो 4.5 लाख हैं वो किससे पीने वाले होंगे? अनेकों से पियेंगे, एक बाप से ही पियेंगे। लक्ष्मी नारायण में भी प्रवेशता संपूर्ण रूप जो लक्ष्मी नारायण नहीं रहेगा, तो एक मत नहीं रहा, जो संपूर्ण रूप लक्ष्मी नारायण है उनमें भी प्रवेशता रहेंगे क्या जी बाप का? अरे बाप को हर समय क्या एक रथ में बैल पर सवार होने की जरूरत होती है?
होती है या नहीं होती है? नहीं। तो ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि का पिता है वो भी हर समय बच्चों में प्रवेश करके भी नहीं रहेगा। बाबा बोला क्या है कि सृष्टि का हीरो हीरोइन राम कृष्ण की आत्मा है, तो दादा लेखराज तो खुद कृष्ण बच्चा बन के जन्म लेंगे, तो फिर हीरोइन के रूप में जो प्रत्यक्ष होगी बिलांती माता, फिर कृष्ण की सोल क्या बिलांती माता है, तो हीरोइन हीरो हीरोइन कहा गया है। तो बाबा हीरो हीरोइन तो मतलब सबके सामने होनी चाहिए ना, ये हीरो हीरोइन हमारे मतलब जगत के माता पिता है। वो संगम युग की बात है, और हीरो हीरोइन में संसार के सामने जो प्रत्यक्ष होंगे वो हीरोइन के रूप में ब्रह्मा बाबा को किसने कंट्रोल किया? ब्रह्मा बाबा को संभालने वाला बच्चे को कौन था? ब्रह्मा बाबा तो बच्चा बुद्धि था नहीं, एक ही के अंदर प्रैक्टिकल में कौन व्यक्ति था जो ब्रह्मा बाबा को भी संभालता था? ओम राजे थी। ओम राजे बुद्धिवादी थी या बच्चा बुद्धि थी? बुद्धिवादी थी। तो वही आत्मा जो है वो छोटी मम्मी में प्रवेश करती है। और फिर किसको संभालता है? दादा लेखराज को किस तरह से संभालता है? दादा लेखराज को संभालने की बात नहीं है, वो दादा लेखराज को क्यों संभालेगी? कृष्ण तो बाबा वही है, कृष्ण वाली सोल को संभालने वाला तो उसका पिता है। पिता हाँ, वो उसमें प्रवेश करते ही वो आत्मा कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ाती है रहती है। हीरो हीरोइन तो बाबा मम्मा बाबा ही तो है, वो हीरो जो प्रचार करता है अव्वल नंबर वो हीरो है, और कन्याओं माताओं के रूप में जो अव्वल नंबर पुरुषार्थ करने वाली है वो हीरोइन के रूप में प्रत्यक्ष होती है। अव्वल नंबर पुरुषार्थ तो छोटी मम्मी ने किया। हाँ किया, छोटी मम्मी ने पुरुषार्थ जो किया उस पुरुषार्थ करने में उन्होंने आधार किसका लिया? ब्रह्मा बाबा और मम्मा का, छोटी मम्मा का आधार लिया ना, तो इसलिए उनको भी मान्यता देनी पड़े, वो प्रभाव जाता है उनकी ओर। छोटी मम्मी अगर छोटी मम्मी में प्रवेश न करे तो वो लक्ष्मी नहीं बन सकती। नई दुनिया की मम्मी छोटी मम्मी बनेगी कि नहीं? ऐसे ही यहाँ छोटी मम्मी में प्रवेश करने वाली है, और उसका आधार जो बनती है छोटी मम्मी वो उसको लकब मिल जाता है प्रैक्टिकल में। ये कि आज में कौन थे नियंता के रूप में, माता पिता के रूप में, वो तो गीता माता तो सामने आ गई लेकिन वो तो सुनने सुनाने के रूप में रही या प्रैक्टिकल करने के रूप में भी रही, तो महत्व कौन ले लेगा? बाबा जो प्रैक्टिकल करेगा महत्व तो वही लेगा। तो लिया ना यज्ञ के आदमी, यज्ञ के आदमी वही विष्णु रूप थे, जगदम्बा उस समय भी विष्णु रूप नहीं थी, मतलब वो गीता माता के अलावा जो दो दूसरी माता थी, माता थी और पिताजी। हाँ जी वही विष्णु रूप थे, आदि में भी थे तो अंत में भी वही। हाँ जी वो तो विष्णु से ब्रह्मा निकला। और बाबा ये बोला गया है ये जगदम्बा, ये जगदम्बा भी ब्रह्मा की बेटी है। हाँ तो कौन सी जगदम्बा के लिए बोला गया कि ब्रह्मा की बेटी है? उम्रादे मामा के लिए बोला गया या जो अभी यज्ञ में है? जगदम्बा बनती कब है माता? जगदम्बा कब बनती है, आदमी की मध्य में? जगत का माता पिता तो बाबा प्रत्यक्ष होने में तो आदि अंत में ही प्रत्यक्ष होते हैं। अंत में जो प्रत्यक्ष हो गया जगदम्बा, जगदम्बा का लकब धारण करती है, तो जगदम्बा जो है वो पहले बेटी होती है, क्योंकि दुनिया में कोई और प्रैक्टिकल में सरेंडर होकर के रहने वाली है ही नहीं। बाबा कौन बेटी बन के रहता है, ये मम्मी या वो मम्मी? कौन मम्मी? अपनी जो बड़ी मम्मी अभी है, जो प्रैक्टिकल में अर्पण कौन होता है? बड़ी मम्मी। छोटी मम्मी तो आई नहीं, अभी आई नहीं है, तो अर्पण होने की बात कहाँ से आ गई? तो इस मम्मी के लिए कहा गया है। छोटी मम्मी तो जब जिस समय एडवांस शुरू होता है उस समय ही वो 9 साल की होती है छोटी मम्मी। हाँ जो 9 साल की है, 8-9 साल की, तो वो तो बच्ची के रूप में ही हुई ना पहले, वो बच्ची के रूप में होगी या पत्नी के रूप में होगी? तो
सिख में जब छोटी मम्मी सरेंडर हुई थी तो 9 साल की थी। सरेंडर नहीं हुई तो उस ज्ञान में आई, पीके में जब आई थी, तो पीके में आने के बाद जब एडवांस में आई तो उस समय वो 9 साल की थी 76 में, और 83 में 13 हुआ माने सरेंडर हुई, तब वो जगदम्बा का रूप धारण करती है। हमारा ज्ञान प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल नहीं है, है। और बाबा जैसा मुगलियों में बोला गया है जो धर्म पिताएं होते हैं वो भी सृष्टि पर मौजूद होती है, उनकी आत्माएं भी गिरी हुई स्टेज में अपने धर्म में वो गिरी हुई स्टेज में। हाँ जी बाबा, उन्होंने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया है जिसमें जो उनको अपना जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिलता, जैसे लास्ट धर्म पिता सिख धर्म की जो धर्म पिता वाली है गुरु नानक वाली सोल है, 450 वर्ष वो परम धाम में रहना पड़ता है उसको, और उसके बाद वो 4500 वर्ष बाद वो नीचे आके वो अपने धर्म की स्थापना करती है, तो जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिलता। हाँ मिलता है जीवन मुक्ति, एक जन्म का मिलता है सर, जैसे सबको मिलता है द्वापर से आने वालों को वैसे उसको एक जन्म का मिलता है, अनेक जन्मों का जीवन मुक्ति का वर्षा कहाँ मिलता है। जो ऊपर से आने वाला गुरु नानक है उसको अनेक जन्मों का जीवन मुक्ति का वर्षा कहाँ मिलता है। बजू अंत के प्रत्यक्षता की पीरियड में ही उसने पार्ट बजाया, तब तक अपने फॉलोअर्स को अच्छी तरह अपनी मुट्ठी में करके रखा। जो भी धर्म पिताएं होते हैं वो अपने धर्म के बहुत पक्के होते हैं, और जो भी उनके पक्के पक्के फॉलोअर्स होते हैं वो भी अपने धर्म के बहुत पक्के होते हैं। ये तो हिंदू धर्म के देवता वर्ण की आत्माएं हैं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती चली जाती हैं, कोई क्रिश्चियन बन जाते हैं, कोई इस्लामी बन जाते हैं, कोई मुसलमान बन जाते हैं, कोई बौद्ध बन जाते हैं, दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो कच्चे कौन हुए? और अपने धर्म के पक्के कौन हुए? हाँ वो अपने धर्म के पक्के होते हैं, वो कभी किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। हिंदुओं ने ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के भारत की पत गंवाई है, इसलिए हिंदुओं की संख्या दुनिया में कम होती चली जाती है और दूसरे धर्मों की संख्या सारी दुनिया में फैल गई है। हाँ जी कहते हैं अपने को हिंदू, हिंद माने हिंसा, दू माने दुईते, हम हिंसा को दूर करने वाले, लेकिन वास्तव में कन्वर्ट होने के कारण उनको हिंसा को और बढ़ाने वाले। अगर विदेशियों को भारतवासियों के अंदर सुराग देने वाला ही कोई नहीं मिलता तो क्या उनका आक्रमण सफल होता? सफल ही नहीं होता, हिंसा होने की नौबत ही नहीं आती। ये भारत के जो धोखेबाज है जयचंद जैसे हैं, तो उन्होंने सारा सत्यानाश किया है। ये कन्वर्शन की महिमा है, स्वधर्म इन धर्म से या पर धर्म वो भयावह है, अपने धर्म में मर जाना अच्छा, दूसरे के धर्म में कन्वर्ट होना, अवसरवादिता को ग्रहण करके जहाँ देखी तवा बारात वहीं बिताई सारी रात। आज के अवसरवादी नेता भी ऐसे ही कर रहे हैं, जहाँ मौका मिलता है कि इस पार्टी के जीतने की संभावना है तो अपने सारे नीति नियम कानून उठा के ताक में रख देते हैं, पट से कन्वर्ट हो जाते हैं।